ये हम लोग ही हैं जो इमोशंस को भी ना कैटेगराइज कर देते हैं कि ये वाली मोहब्बत ये तो इंटरनेट की मोहब्बत है, ये नहीं चलने वाली यार, या ये वाली मोहब्बत ऐसे होता है क्या प्यार? आपको हुआ है किसी की मोहब्बत को देखकर महसूस की है आपने मोहब्बत? अगर की है और उस जज्बात की इज्जत की है आपने, तो आपको भी मोहब्बत हो सकती है। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। बहुत दिनों बाद एक लव स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए फ्रॉम द सेम बुक लव स्टोरीज फ्रॉम शिमला हिल्स, रिटन बाय मीनाक्षी चौधरी, उसी में से है। इस कहानी का नाम और कुछ हो ही नहीं सकता था, लव, दैट्स द टाइटल। ये जो कहानी है ये इंटरनेट के ज़माने का प्यार है, बहुत कामयाब है और बहुत प्यारा है। शिमला से शिलोंग, इंटरनेट ने जो दुनिया को छोटा सा कर दिया है ना, बस उसी का नतीजा है कि शिमला से शिलोंग मोहब्बत हुई। होमी चटर्जी जो शिमला में रहता था और रिमी जो शिलोंग में रहती थी। 2004 की बात है जब रिलायंस ने CDM फोन्स लॉन्च किए थे, उससे आप इंटरनेट सर्च कर सकते थे, ईमेल भी एक्सेस कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ रेडिफ के कर सकते थे। तो शिमला में होमी जो टेक सेवी थे उनके पास नया नया CDM फोन आया था और रिमी के पास भी वही फ़ोन था। वो एक वेबसाइट पे काम करती थी न्यूज़ पोर्टल की, सो शी वॉज ऑल्सो टेक सेवी और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे वो जानती थी। रिमी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव थी, तो रिमी को लग रहा था कि पता नहीं किस तरह का लड़का होगा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। उसने क्या किया, रेडिफ की मैट्रिमोनियल साइट थी उस पर अपना एक अकाउंट बना दिया, फोटोग्राफ के साथ प्रोफाइल बना दिया और फ्लोट कर दिया। उसका क्या था, उस वक्त जब कोई रेडिफ मेल एक्सेस करता था तो कोई भी रैंडम एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करती थी स्क्रीन पे। नाउ होमी इज इन शिमला, वो अपनी रेडिफ मेल एक्सेस कर रहा है और सडनली एक एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करती है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसकी स्क्रीन पे कोई एडवर्टाइजमेंट आई हो, ये पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन उस दिन उस लड़की के चेहरे से नज़र ही नहीं हटी होमी की। स्टोरी में होमी ने कहा है कि आई न्यू शी इज़ माई गर्ल, ये मेरी ही है। तो फिर आगे क्या करना था, 700 रुपये लगते थे उस वक्त उस साइट पर अपना अकाउंट बनाने का, मैट्रिमोनियल साइट पे, वो भरे गए। होमी ने अपनी फैमिली में बोला कि मेरा भी एक अकाउंट बना दो, होमी की सिस्टर ने उसका अकाउंट बनाया था। वैसे तो बंगाली ब्राह्मण थे वो लोग, जो आज याद करके होमी कहता है कि विश आई न्यू इट दैट टाइम, बट पर क्योंकि एक लिबरल फैमिली थी और वो ये नहीं चाहते थे कि सरनेम डाल के जो हमारी ऑप्शंस है उनको कम कर दिया जाए, इसलिए होमी के नाम के आगे कुमार ही लिखा गया। होमी ने अपने प्रोफाइल से एक मेल शूट की फटाफट, रिमी को बोला कि आपका मैंने प्रोफाइल देखा, आप मुझे बहुत पसंद आई एंड वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। रिमी का उधर से जवाब आया कि इस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में अभी तक तकरीबन 500 रिस्पॉन्स आ चुके हैं मुझे, और ज़्यादा लोगों को रिप्लाई नहीं करना मुझे, तो आप प्लीज़ डोंट माइंड। और एनीवेज होमी कुमार नाम पढ़कर रिमी को लगा कि कोई यूपी या बिहार से है, तो शी सेड कि हम लोग तो बंगाली ब्राह्मण देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड हा। अब क्या था, होमी ने फटाफट एक 2 पेजेस की लंबी मेल रिमी को लिख दी अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ये लिखा कि हम लोग भी बंगाली ब्राह्मण हैं और जो भी कुछ दिमाग में आ सकता था वो सब कुछ। ईमेल्स एक्सचेंज होने लगी, तकरीबन 150 ईमेल्स एक्सचेंज हो चुकी थी दोनों के बीच में। रिमी के वर्किंग आवर्स सुबह 5:30 से 8:30 इन द मॉर्निंग थे, एक वेबसाइट पोर्टल पे न्यूज़ अपलोड करनी होती थी। तो एक दिन अचानक 5:30 पे उसके मोबाइल पे कॉल आता है, सामने होमी है। आवाज़ सुनकर अच्छा लगा, इंसान जेन्युइन था, दो शी वॉज अ लिटिल शॉक्ड कि मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, जो होमी के लिए बहुत इजी था। प्रोफाइल में अपने न्यूज़पेपर का उन्होंने नाम दिया हुआ था, उसी की वेबसाइट में से नंबर निकाल लिया था, बट बात कर कर बहुत अच्छा लगा। तो रिमी क्योंकि अपनी माँ के बहुत करीब थी और बहुत फ्रेंडली भी थी, अपनी मदर को बताया कि ऐसी कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, पर किसी का कॉल आया था जिससे बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन बाद रिमी की लैंडलाइन पर एक कॉल आया जो उसकी मदर ने उठाया, दूसरी साइड फिर होमी। होमी ने अनाउंस किया कि देखिए आपकी बेटी की पिक्चर मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है, इन्हीं से मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी की डेट 25 नवंबर है और मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ। पैनिक ब्रोक क्रेजीनेस, कैसे अपने फादर को बताएंगे, जानते कितना है एक दूसरे को, और मैं शिलोंग में रहती हूँ, वो शिमला में रहता है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, कैसे हो पाएगा, और किसी की एक बार पिक्चर देखी और प्यार हो गया,
ईमेल्स एक्सचेंज हो रही है पर शादी करेंगे ऐसा कुछ सोचा नहीं है। सारे ख्याल दिमाग में आने लगे, कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं कि इस तरह रिश्ते बनते हैं क्या इंटरनेट पे। लेकिन उधर होमी का माउंट एवरेस्ट कॉन्फिडेंस, कमाल। जो होमी ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने आ रहा हूँ तो वो तो आने वाला था, तो फादर को होमी से मिलाने के लिए कन्विंस करने की ड्यूटी मदर ने ली। आराम से समझाया कि देखिए मिलने में क्या है। फादर फिर भी बहुत रिलक्टेंट थे, लेकिन बोला गया कि मिलते हैं, कोई बात नहीं। अब होमी ने जब शिलोंग आने की बात कही थी तो उस पर बोल दिया था कि मैं एयरपोर्ट आ जाऊँगा, मुझे एयरपोर्ट से लेने आपकी फैमिली ने आना है। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम इन लव विद दिस कॉन्फिडेंस। होमी शिलोंग एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं 3 घंटे पहले, कोई भी वहाँ पे नहीं है। ही शूट से SMS के कहाँ हो तुम लोग, तो पता चलता है वो लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। शिलोंग में ना बहुत बड़े बड़े आर्मी कॉन्वॉयज निकलते हैं और जो बाकी नॉर्मल ट्रैफिक भी है उधर पास लेने का रूल नहीं है, तो धीरे 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 गाड़ियाँ चलती है। आ रहे थे लेकिन ट्रैफिक में फंसे थे। आते हैं, इंट्रोडक्शन होती है, घर जाते हैं, बातचीत होती है और रिश्ता हो जाता है पक्का। अब ये बोला जाता है कि आपको शिमला आना है, मेरे घर देखना और मिलना ज़रूरी है। खैर किस्मत भी उसी तरह से डॉट्स जोड़ रही थी। रिमी की फैमिली को जयपुर जाना था एक काम के लिए, तो वो वहाँ पे गए और वहीं से वो लोग शिमला भी गए, मिले, बातचीत हुई और पूरी तरीके से हर चीज़ फाइनल थी। लेकिन रिमी के जो फादर थे वो एक अर्ली मैरिज के लिए तैयार नहीं थे, ही वॉन्टेड सम टाइम। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़, क्योंकि होमी के जो फादर थे वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे। उन्होंने होमी का हॉरोस्कोप पढ़ा और रिमी के फादर को कॉल किया कि देखिए शादी तो जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बेटे के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग वो जल्दी ही अपना दिमाग बदल देगा और योगी बन जाएगा। प्लीज़ आप मेरी ये बात, क्योंकि मैं एक बेटे का पिता हूँ, वो समझ के मत सुनिए, मुझे एक बेटी का पिता ही मानिए। और ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जल्दी शादी कर दीजिए। तो वो सब तो होना ही था। होमी और रिमी की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। 6 लोग गए थे शादी में। शादी के बाद पता चला दैट हाउ थिंग्स आर डेस्टाइंड, हाउ सिमिलर दे आर, छोटी छोटी चीज़ों में। ज़्यादा झगड़े ना छोटी छोटी चीज़ों में ही होते हैं, बड़ी चीज़ों में तो लोग समझ जाते हैं एक दूसरे को। होमी का एक लव लेटर पढ़ूंगी आपके लिए, इससे आप समझेंगे कि जब कोई इंसान डिसाइड कर लेता है ना, वो फोकस्ड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं सामने, सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कितने मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एक लड़की जो शिलोंग में रहती थी, जिसने सोचा भी नहीं था कि शिमला में वो शादी करेगी, या उसके पेरेंट्स जो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस चीज़ के, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी। जैसे आप ये अर्ली मैरिज की ही बात ले लीजिए, ऐसी और बहुत सारी बातें, लेकिन वो सिर्फ होमी का कॉन्फिडेंस था और उसकी मैच्योरिटी कि कैसे जो उसे लड़की पसंद है उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आएगा कंफर्टेबल बना के। ये लव लेटर सुनिए। रिमी ने एक लेटर लिखा था होमी को, उसका रिस्पॉन्स है ये। डियर रिमी, रिमी टुडे आई वॉन्ट अ कमिटमेंट दैट यू विल ऑलवेज बी बिसाइड मी टिल माई लास्ट। We will work together for the best things have to offer, but at the same time always be prepared for the worst, but we'll be together all the time, living as one unit, a unit welded with love, supported with understanding and coated with passion. Rimi, I want you to live life, not just spend it. Find some passion, validate your existence on this earth. It is not that you have to study or have to do something in academics, but try to create something new. Enjoy life. Find your passion and excel in it. Ye suniye. 10% of the people create and live. 90% watch and spend. I want you to always be in the first category, Rimi. I will not appreciate your saying that I am doing nothing. Life means action. If you're doing nothing, you have shortened your life. Try to create events. As we measure our life by events and not by time. Excuse me if I'm sounding like a preacher. Miss you, my love. Rimi's homie. Why would somebody not fall in love with him? So that's a happily ever after end. Do subscribe to this channel, Himachal Wire. Stay safe, everybody. See you.